नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। भारत के चैंपियन खिलाड़ी विराट कोहली के खराब फॉर्म के चलते कई खिलाड़ियों में घमासान शुरू हो चुका है। लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी का कहना है कि विराट को टीम से बाहर कर देना चाहिए, तो कोई बोल रहा है कि उनके फॉर्म का इंतजार है। कुछ लोगों की उम्मीद कायम है। ऐसे में दो दिन पहले पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी अपने बयान में कहा था कि अगर अश्विन को उनके फॉर्म के चलते बाहर किया जा सकता है तो फिर विराट को क्यों नहीं। इसके बाद कल जब भारत 17 रन से इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला हार गई, तब मैच के बाद रोहित मीडिया से रूबरू हुए, जिसके बाद एक मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि एक्सपर्ट का कहना है कि विराट लगातार रन नहीं बना रहे, फॉर्म में नहीं, तो उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए। इस पर रोहित ने कहा कि हमारे लिए यह मुश्किल हालात नहीं है। बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं हमें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम बाहर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और कौन है ये एक्सपर्ट, इन्हें एक्सपर्ट क्यों कहा जाता है? हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है कि टीम के अंदर क्या चल रहा है, ना कि बाहर के लोग क्या कह रहे हैं। उन्होंने विराट का बिना नाम लिए ही कहा कि हर किसी का फॉर्म ऊपर नीचे होता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि खिलाड़ी की क्वालिटी गिरती है, तो हम ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। रोहित ने ऐसा कहकर सभी के मुंह बंद कर दिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित आगे विराट को कितना मौका देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने भी कपिल पाजी के बयान का मजा लेते हुए कि अच्छा है विराट वर्ल्ड कप में ना खेले। विराट की औसत ऑस्ट्रेलिया में काफी बेहतरीन रही है और आगामी T20 वर्ल्ड कप भी वही होने वाला है। ऐसे में विराट का भारतीय टीम में नहीं होना विपक्षी टीमों के लिए खुशखबरी ही। तो विराट कोहली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे विराट के विश्व कप में खेलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं और विपक्षी टीमों पर मेंटल प्रेशर बनाने के लिए उनका टीम में रहना जरूरी है। तो ऐसे ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।